हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग के चीले, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने रात में भिगो दिया था मूंग की दाल, पीली वाली धुली मूंग की दाल, और अब मैं इसको यहाँ पे पीसने जा रही हूँ। तो दाल मैंने यहाँ पे पीस ली है, साथ में चाय भी चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से चॉप करके, तो चॉपर में चॉप करूँगी। उसके पहले मैं यहाँ पे अदरक ग्रेट करके डाल दे रही हूँ, तो चाय पकती रहेगी। अदरक वाली चाय तो अच्छी लगती ही है। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च और प्याज को चॉप कर लिया है चॉपर में। आप चाहें तो आप महीन कट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसी दाल वाले पेस्ट में डाल दिया है। इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। धनिया है तो धनिया डाल दीजिए, आप हरी मिर्च डाल खाते हैं तो डाल लीजिए। मेरी बेटी छोटी है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके और बस हम पतले पतले अपने चीले बना लेंगे। आप चटनी के साथ खाइए या फिर सॉस के साथ खाइए, जिसके साथ भी आपको पसंद है। तो यहाँ मेरा पहला चीला जो है वो बन गया है। सबसे पहले हम पीहू को मैं देती हूँ, और मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था, तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला, कहाँ हैं आप। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ, बस एक दो दिन का ब्रेक ले रही थी। थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी होता है इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म मेरे चीले बन रहे हैं। और आप लोग बनाते हैं क्या मूंग के चीले, ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, अगर नहीं बनाते हैं तो आप बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी चादर को चेंज कर रही थी, वॉश करने के लिए डाला है। इसके पहले वाइट वाली बेडशीट बिछी हुई थी, तो वही मैंने हटा दिया है। और मैं इसको अच्छे से बिछा करके कॉम से खोज देती हूँ, तो बहुत अच्छे तक टाइट रहती है। और यहाँ पे पीहू भी बैठी हुई है, अब इसको मुझे नहला के तैयार करना है। ब्रेकफास्ट तो इसने कर ही लिया है, इसको चीले पसंद है पीहू को। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने। ये तो आज मैं फेस वॉश के लिए यूज करने जा रही हूँ वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा फोमिंग फेस वॉश। एलोवेरा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में काफी अच्छा है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फेस को वॉश करने के लिए, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़ा सा मेकअप भी है और मैं हमेशा जब भी मेकअप रिमूव करती हूँ तो फोमिंग फेस वॉश से ही करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस वॉश के साथ आपको ये एक्स्ट्रा कॉम्बो पैक मिलता है, जो कि रिफिल पैक है। जब आपका ये जो फेस वॉश है, जब ये फिनिश हो जाए तो आप इसके अंदर इसको रिफिल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये 200 ml की क्वांटिटी है। सबसे पहले मैं अपने फेस को वेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा फोमिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन फेस ब्रश, जिसको यूज़ करके आपकी स्किन क्लीन होती है, जेंटल होती है, हाइड्रेट होती है और आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है। तो इस प्रोडक्ट के साथ आपको ये रिफिल पैक भी मिलता है। तो इस कॉम्बो पैक का प्राइस 798 रुपीज़ है, बट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप एक्स्ट्रा 20% ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं बुलबुल20, जिससे आपको buywow.in पर एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। इसमें एक QR कोड दिया होता है, जिससे आप प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि फेक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, जब नेक्स्ट शॉपिंग करते हैं तो वो पॉइंट्स रिडीम हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए है।
इसमें किसी भी तरह का पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन और कलर नहीं है। तो ये प्रोडक्ट 98.3% नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। इसकी शेल्फ लाइफ 2021 से लेकर 2023 तक है। तो अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, प्यूरिफाइड वाटर, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तो एलोवेरा ही है। तो आप सभी जानते हैं एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। इस प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है और जो इसके ब्रिसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जेंटल हैं आपके फेस पर। हेलो पीहू, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। आपका न्यू बैग आया है? मैं जा रही हूँ एक्चुअली। हाँ, कहाँ घूमने जा रही हो? बैग तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है आपका, कौन लाया? यार नहीं, मैंने ही मंगाया था। मैंने ही मंगा दिया? हाँ। तो पसंद आ गया आपको? पसंद आ गया, मुझे तो यूनिकॉर्न वाला बैग बहुत अच्छा लगता। यूनिकॉर्न वाला बैग बहुत अच्छा लगता है। चलो अब अंदर रखो, जगह पे सेट करो। अरे वाह, पीहू तो खुद ही ट्रॉली ले जाती है अपने बैग की। सेट कर दो। अरे वाह, चलो खुश हो? खुश हूँ। चलो ठीक है। उसके बाद हम लोगों का लंच हो गया था। लंच के बाद मैं जा रही थी यहाँ पे पीहू के स्कूल, तो आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं पीहू के स्कूल, तो चलिए आज पहली बार पीहू के स्कूल के दर्शन करते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं स्कूल जाने के लिए। साथ में मेरी फ्रेंड भी है, मतलब पीहू की फ्रेंड का की मम्मी भी हैं, तो वो भी आज हमारे साथ ही जा रही हैं। ये हैं वो, चलिए चलते हैं। मैंने भी बना लिया था, चल आराम से आराम से। लगाए रहो मास्क, दोनों लोग लगाओ, मास्क हटाना नहीं है। बैठिए। देखा, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ पीहू। आरोही, मास्क पहनिए। देखिए प्रियोम ने भी पहना है ना। ये क्या है? तो यहाँ पे मैं टीचर्स से बातें कर रही हूँ पीहू के बारे में, और ऑनलाइन पीहू के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उन्हीं सब बारे में कि उसका ओरल कैसा हुआ, रिटन कल से चालू होगा, मतलब मंडे से चालू हो जाएंगे, तो वही सारी बातें यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आरोही के बारे में, पीहू के बारे में। और काम हो गया है, पीहू की बुक्स भी मैंने ले ली हैं, मतलब उसका बुक का किट भी मिल गया है। तो चलिए चलते हैं। Thank you.
तो आज मैंने जीन्स टॉप पहना है। आप लोग बहुत कहते थे ना कि जीन्स टॉप पहनो आप, तो मैंने आज पहन लिया है। ससुराल में पहली बार इस तरह से आपने मुझे देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहनती नहीं हूँ, बट आज देसी बहू ने विदेशी रूप रख लिया है। तो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम लोग स्कूल से आ करके मैं थोड़े से काम में लग गई थी और पीहू का स्कूल बैग, स्कूल की बुक्स सब मिल गई हैं। अभी पीहू बहुत एक्साइटेड भी है क्योंकि उसको नया नया बुक वगैरह सब मिल गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब अच्छे 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 बच्चों की तरह पढ़ोगी ना? पढ़ूंगी। और फर्स्ट आ जाओगी? हाँ। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी दो दिन से यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, तो काफ़ी अच्छा वेदर था। बारिश भी हुई थी परसों, बारिश हुई थी तो कल भी अच्छा मौसम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब पता नहीं क्यों, भयंकर गर्मी। देखो पीहू भी बता रही है। और पीहू के ओरल स्टार्ट हो गए हैं, पीहू के दो ओरल हो गए हैं। कल था उसका इंग्लिश का ओरल और आज था मैथ का ओरल, है ना पीहू? यस। कल किस चीज का ओरल है? कल ओरल टेस्ट है पीहू का हिंदी का। तो कल पीहू का हिंदी का ओरल टेस्ट है, वो करेगी पीहू। और फिर उसके बाद मंडे से इसके रिटन भी स्टार्ट है, तो रिटन वाला जो फोल्डर है ना वो मैं स्कूल से ले आई हूँ, क्योंकि वो वहाँ से पिक करना था। वो हम लोग लेकर के आए हैं, फिर उसको फिल विल करके उसको फिर हमें व्हाट्सएप कर देना है, मैम ने ऐसा बोला है। तो वो सब एग्ज़ाम का काम चालू रहेगा। इधर वर्मा जी बैठे हुए हैं, वो अपना कुछ काम कर रहे हैं। चलिए मिला देती हूँ आपको। हेलो, क्या हो रहा है? अरे यार, तो ये अपना कुछ देख रहे हैं लैपटॉप पे। और अब मैं इस व्लॉग का भी एंड कर दूंगी। शाम के क्या टाइम हो रहा है? शाम के 5 बजने वाले हैं और आज हम बिल्कुल भी लेटे नहीं है। मतलब पीहू भी नहीं लेटी है और मैं भी नहीं लेटी हूँ। मैं पीहू से कह रही थी चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, इधर आओ। कुछ बोलना है क्या? ये क्या पहने हो आप? माला। क्यों? मुझे अच्छा लगता है। ये तो डॉल का माला है। मेरा डॉल का नहीं, डॉल का नहीं है। और मैंने अपनी आईब्रोज खुद से सेट करी हैं, वही आईब्रो वाले रेजर से, समझी? बच्चों को नहीं करना चाहिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब करते हैं। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बात है। वैसे हमारी पीयू तो बहुत समझदार है ना, क्योंकि हमारी पीयू तो गुड गर्ल है। मैं तो बैंगल भी पहनी हूं। बैंगल भी पहनी। अच्छा ये बताओ स्कूल जाके कैसा लगा? स्कूल जाके बहुत बढ़िया। क्या तुम चाह रही थी कि हम स्कूल में प्ले करते रहें, खेलते रहें? पीयू की बहुत सारी टीचर्स मिली है ना पीयू? पीयू ने बातें करी टीचर के साथ, अच्छा लगा था। हाँ, पीयू का एक फ्रेंड भी मिला था ना साथ में, प्रियोम गया था। चलो फिर इस ब्लॉग को एंड कर दिया जाए। चलो बाय बाय। तो चलिए भाई इस ब्लॉग का एंड करते हैं। पीहू ने आपको बाय कर ही दिया है और वर्मा जी भी बाय कर दें। बाय बाय। चलो तो चलो भाई, वर्मा जी ने भी बाय कर दिया है, पीहू ने भी बाय कर दिया है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।